आंग पुलो नो नरक नो खुलुंग मास कांगे फारो खुलुंग खा हेलो आप लोग सब आज त्रिपुरा से आया है। 3 दिन का ट्रेन का जर्नी था। आप लोग थक भी चुका होगा। आप लोग को थोड़ा आराम भी करना है, थोड़ा दिल्ली भी देखना है आप लोग को। तो अंगबिसी कोक्सालिया मैं अभी ज्यादा बात नहीं करूंगा। कल 1 तारीख दिसंबर मैं बुबागरा आप सब से बात करेगा। आज आपको सिर्फ एक ही बात हमको बोलना है। यहां में जो मीडिया है, जो बाहर से भी आए हैं, मैं उनको भी एक ही बात बोलना चाहता हूं। हमारे पिपरासा कोकबोरोक में एक शब्द है, वही शब्द हमारा हालाम कम्युनिटी में भी है मुनखाट, और पिपरासा में एक शब्द है थानसा। थानसा का मतलब होता है एकता। आज मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि यहां में हमारे संग बाहर के एमपी जयराम रमेश हो या प्रियंका चतुर्वेदी शिवसेना से या आम आदमी पार्टी से या बीपीएफ से या बोडो पार्टी से, दार्जिलिंग से गोरखाज लोग सब यहां में आए हैं सपोर्ट करने के लिए। हमारा जो डिमांड है ग्रेटर तिपरा लैंड या तिपरा लैंड का, ये डिमांड हिंदुस्तान के संविधान के अंदर है, और ये डिमांड बुबागरा रख पे रहेगा, क्योंकि बुबागरा को अभी एक पत्रकार ने पूछा कि आप मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं। मैंने कहा मैं बुबागरा हूं, मुझे मुख्यमंत्री नहीं बनना है, मुझे ग्रेटर तिपरा लैंड चाहिए, नो कंप्रोमाइज। बहुत लोग समझ नहीं पाएंगे एमपी क्यों नहीं बन रहा है, मुख्यमंत्री मंत्री क्यों नहीं बन रहा है, लेकिन वो लोग समझता नहीं है। जो प्यार बुबागरा को मिलता है आपसे, वो अनकंडीशनल है, वो मंत्री एमएलए बनने से नहीं मिलता है, वो आपके दिल में। मेवाड़ ने कहा 5000 साल से जो प्यार सम्मान हम लोग को मिला है, वो कोई मंत्री का पोस्ट से एमएलए का पोस्ट से नहीं मिलने वाला। इसके लिए मैं आपके लिए फाइट कर रहा हूं, और इस फाइट में मुझे बहुत अच्छा लगता है कि यहां में सिंधु कन्या है, मंगल आया है, यहां में आईपीएफटी के बहुत लीडर्स हैं, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक पार्टी ऑफ इंडिया के यहां में सदस्य भी हैं, विजय कुमार रांखोल है, बहुत लोग हैं यहां में। और हमारा लक्ष्य क्या है, ये पोस्ट, ये रंग, पैसा, लाल बत्ती, सिक्योरिटी, ये पूरा जिंदगी आपके संग नहीं रहेगा, और 2026 में डिलिमिटेशन होगा। और जब ये डिलिमिटेशन होगा और हम लोग त्रिपुरा जैसा आज है वैसा रहेगा, तो हमारा भविष्य नहीं है। इसके लिए मैं अनुरोध करता हूं, कोई भी हो, एमएलए हो, मंत्री हो, कोई भी हो, नेता हो, आपका पार्टी आपका जाति से बड़ा नहीं हो सकता है। आज इस मंच से मैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को एक बात बोलना चाहता हूं। हम लोग मेमोरेंडम दे रहे हैं, मेमोरेंडम इंग्लिश में जाएगा, कोकबोरोक में जाएगा, हिंदी में भी जाएगा, और मेमोरेंडम में हम लोग ने नहीं बोला ये दे दो, वो दे दो, रंग दे दो, यहां में वो कर दो, नहीं, हमने सिर्फ सिंगल पॉइंट डिमांड रखा है, हमको तिपरा लैंड या ग्रेटर तिपरा लैंड। क्योंकि अगर हम हमेशा अलग अलग डिमांड जाके दिया हमने, तो क्या होता है, गवर्नमेंट बोलता है पॉइंट नंबर 4 रख लो, 3 रख लो, तिपरा लैंड को छोड़ दो। नहीं, अब सिंगल पॉइंट डिमांड है
डिमांड। आज आप लोग थके हुए हैं, जाके आराम करो, कल आपके अंदर जोश होना चाहिए, कल यहां में रैली भी होगा और कल ऐसा इतना आवाज करो, पार्लियामेंट सामने है, उनको भी लगना चाहिए कि राज्य छोटा है पिपरा का, हम लोग का राज्य छोटा है, हम लोग बुकुंबरा है, लेकिन जब पिपरासा का थानसा होता है 5000 साल तक किसी ने हमको हराया नहीं। आज अगर पिपरासा एक हो गया, एक ही मंच में हमारा मेवार, एक ही मंच में ऋषिकेतु, कमल, गणेश, विजय रामखोल, चित्तो बाबू, सब लोग यहां में एक मंच में, जगदीश देव वर्मा, सब लोग, पार्टी अलग हो सकता था, आईएनपीटी, टीएसपी, आईपीएफटी, पिपरा मोथा, लेकिन मैं फिर से बोल रहा हूं कि ये वन लास्ट फाइट अगर एक होके हमने किया, एक पार्टी बनके किया। सब लोग बोलता है आप लोग तो सिर्फ 30% है, ये 30% अगर एक हो जाए ना तो 3000 लोग भी हमारे सामने हो, हम लोग अकेला। अगर 3 लाख आदमी हो, 30 लाख आदमी हो, अगर हम लोग एक हो गया तो मैं आपको बोल रहा हूं 2023 में विदाउट कॉम्प्रोमाइज, नो कॉम्प्रोमाइज फॉर तिपरा लैंड हम लोग फाइट करके रहेंगे। और अगर किसी ने हमको धोखा दिया, किसी ने गद्दारी किया, तो मुझे कोई चिंता नहीं है, यहां में इतना बुरे लोग हैं, हम लोग का आपको एमएलए बना देगा, यहां में इतना सिकला है, हम लोग का चला है, आप लोग को एमएलए बना देगा। लीडर नहीं चाहिए हम लोग को, लीडर नहीं चाहिए, नेतागिरी नहीं चाहिए, हम लोग को सिर्फ ग्रेटर तिपरा लैंड या तिपरा लैंड चाहिए। जलाओ ना हम भाई, कल मैं यहां में फिर से आराम से आप लोग से बात करूंगा, आप सब आराम कीजिए, कल बी रेडी टू शो दिल्ली दैट द तिपरासा पीपल आर हियर एंड वी आर गोइंग टू डिमांड।